डी मीडिया न्यूज आपका मीडिया। जी खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर सरकारी सतह के साथ साथ मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए निजी सतह पर भी मशकों का आगाज कर दिया गया है। मुमकिन सैलाबी सूरतहाल से निपटने के लिए मरकजी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खल्क ने सैलाबी मशकों का आगाज कर दिया। सरगोदा रोड पर वाकया डेंगरू नहर में तरबीती मशकें की गई, जिसमें 80 से जायद कारकुनान और रजाकारों ने हिस्सा लिया। इन मशकों में 3 किश्तियां बीमा साजो सामान इस्तेमाल की गई। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग मरकजी मुस्लिम लीग फैसलाबाद मोहम्मद अहसन तारट ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से अगर मुल्क में सैलाबी सूरत हाल बनती है तो हम हर हाल में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अपनी बासलाहियत टीम के साथ तैयार हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मरकजी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खल्क ने मुल्क भर में वाटर रेस्क्यू मशकों का आगाज कर दिया है। एहसन तारण ने कहा कि जिस कदर गर्मी की शिद्दत है, शुनीद है कि बारिशों का सिलसिला इस कदर ज्यादा होगा। मरकजी मुस्लिम लीग इस हवाले से अपनी तैयारियों का जायजा ले रही है। मुल्क भर में रेस्क्यू टीमों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। 112 रेस्क्यू के हमरा पंजाब समेत मुल्क भर में मावन खिदमात सर अंजाम देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने खिदमत खल्क वाटर रेस्क्यू की जानब से जारी डेंगरू नहर सरगोदा रोड पर जारी वाटर रेस्क्यू मशकों का जायजा लेते हुए किया। डी मीडिया न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। शुक्रिया।